लोगों को मंथली प्रॉफिट जनरेट करके देता है। क्या ये ठीक है, रियल में एग्जिस्ट करता है? और इससे रिलेटेड जो मेरे भाइयों के सवालात हैं मेन बड़े बड़े, उसको इंशाल्लाह मैं जो है डिस्कस करूंगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। आप जानते हैं मैं कोई भी बात जो आप लोगों से शेयर करता हूं वो मेरी खुद की रिसर्च स्टडी होती है, देन आप लोगों से शेयर करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको 5-6 बड़े बड़े सवालात बताऊंगा जो अलहयात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड किए जाते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उन सवालात के प्रूफ के साथ आपके साथ साहब के साथ बात करूंगा कि ये सवालात है और इसका ये प्रूफ है, तो क्या हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बारे में आपको वो एमएम पॉइंट्स बता दूं कि सबसे पहले इसका सीईओ कौन है, अलहयात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कंपनी का सीईओ कौन है। इसके अलावा बात करेंगे ये कब वजूद में आई, कब से ये स्टार्ट हुई है। इसके अलावा बात करेंगे ये इन्वेस्टमेंट लेती है मिनिमम कितना लेती है और प्रॉफिट मंथली क्या प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो प्रॉफिट देती है क्या वो इस्लामिक असूलों को जो है फॉलो करता है, इस्लामिक रूल्स के हवाले से ये प्रॉफिट देती है। इसके अलावा इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या और इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये कब तक रहेंगे, टिकेंगे या भाग जाएंगे या बस एक नेटवर्क बना रहे हैं पैसे बटोर के भाग जाएंगे। 5-6 बड़े बड़े ये सवालात हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से ये सवालात सारे प्रूफ के साथ आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई और सवालात हो इनके अलावा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कंप्लीट जवाबों के साथ अलहयात से रिलेटेड। दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।